तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस, होंडा ने जो है अपनी लेटेस्ट बाइक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है, जो कि है होंडा SP160, जो कि आपके सामने है। ये देख सकते हैं, ये बाइक जो है कुछ इस तरीके के लुक में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होंडा SP160 जो है बहुत ही सिंपल सा देखने में लगता है, मतलब इसको ज़्यादा जो है स्पोर्टी लुक नहीं बनाया गया है। ये काफ़ी हद तक आपका होंडा SP125 जैसा लगता है, और कंपनी ने इसे होंडा SP125 के सक्सेसफुल को देखते हुए, अच्छे सेलिंग को देखते हुए होंडा SP160 को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है, जो कि इस तरीके के डिज़ाइन में आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको जो है SP125 जैसा ही देखने को थोड़ा बहुत मिलेगा, जो कि आपको SP160 में बोल्ड LED हेडलैम्प, एरोडायनामिक अंडर काउल, उसके बाद जो है बोल्ड टैंक डिज़ाइन, उसके बाद जो है आपको आइकॉनिक LED टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा, बोल्ड मफलर देखने को मिल जाएगा, और इसका मीटर जो है एडवांस डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है अलग से आपको इंजन किल स्विच जो है वो देखने को मिलेगा, और सेल्फ स्टार्ट भी आपको स्विच जो है वो अलग से देखने को मिलेगा, प्लस आपको हैजार्ड के लिए भी स्विच देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको पेटल डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, और इस बाइक में आपको गाइस 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वेल्व FI इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 13.27 BHP 7500 RPM का, और मैक्सिमम टॉर्क जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 14.58 Nm 5500 RPM का। इसमें आपको सेल्फ प्लस किक जो है दोनों ही देखने को मिल जाएगा, फ्यूल सिस्टम के लिए आपको FI देखने को मिल जाएगा, और माइलेज की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है 50 का माइलेज देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको मल्टीपल वेट क्लच देखने को मिलेगा, 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, और अगर इसके टाइप की बात है डायमंड टाइप मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, मोनोशॉक्स भी आपको देखने को इस बाइक में मिल जाएगा, जो कि रियर की तरफ। और गाइज, आगे अगर हम बढ़े इस बाइक का, इसमें जो है गाइज आपको 177mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, सिंगल डिस्क वाले का आपका 139kg जो है के वेट देखने को मिल जाएगा, डुअल डिस्क जो है 141kg का वेट देखने को मिल जाएगा, सीट हाइट आपको 796mm का देखने को मिल जाएगा, फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का देखने को मिल जाएगा। फ्रंट और रियर व्हील साइज जो है इस बाइक में आपको दोनों ही 17-इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा इस बाइक में। फ्रंट टायर की बात करें तो 80x100 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा, और रियर टायर जो है गाइस वो आपको 130x70mm का आपको जो है रियर टायर साइज देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अगर इस बाइक के कलर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट आपको जो है पीआरएल स्पार्टन रेड कलर देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको पीआरएल इग्निस ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, उसके बाद आपको मैट एक्सेस ग्रे मेटेलिक कलर देखने को मिल जाता है, फिर आपको मैट डार्क ब्लू मेटेलिक देखने को मिल जाता है, पीआरएल डीप ग्राउंड ग्रे देखने को मिल जाता है, और आपको मैटर मार्बल ब्लू मेटेलिक देखने को मिल जाता है। अगर हम इस बाइक के प्राइस की बात करें तो इसमें आपको सिंगल डिस्क के साथ जो इसका एक्सट्रीम प्राइस है वो है आपका 1,17,500 रुपीज़, और डुअल डिस्क की प्राइस की बात करें तो 1,21,900 रुपीज़ इसका प्राइस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था होंडा SP160 का कुछ फीचर्स जो मुझे पता था मैंने आपको बताया। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।